हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी त्योहारों का सीजन चल ही रहा है और नवरात्रि कुछ दिनों में आने ही वाले हैं और बहुत लोग उसमें उपवास भी करते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं उपवास के लिए एक रेसिपी। आज हम बनाएंगे साबूदाना थालीपीठ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप भिगोया हुआ साबूदाना। आधा कप साबूदाना को मैंने रात में भिगो के रखा था तो ये फूलकर 1 कप हो गया है। ये अच्छे से फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बॉईल किया हुआ आलू। आलू को आप इसमें ऐसे घिस कर डालिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का आलू यूज किया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ता, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप इसके जगह हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भुने हुए मूंगफली का पाउडर। इसे डालने से हमारा थालीपीठ जो है वो थोड़ा सा क्रंची बनेगा। इसके बाद बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच राजगिरे का आटा। आप कोई भी उपवास का आटा इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमें एक डो बना लेना है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें बॉईल वाला आलू डाला है तो ये अपने आप ही ऐसे बाइंडिंग होने लगेगा। अगर आप इसमें से उपवास के लिए कोई चीज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर उपवास में आप नमक नहीं खाते हैं तो आप इसे बिना नमक के भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि ये हाथ में ना चिपके। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएं और आप इसे बॉल साइज का एक डो बना लें। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। आप इसे ऐसे हाथों से भी स्प्रेड करके इसे बेल सकते हैं, या फिर ऐसे आप इसे प्लास्टिक की शीट लें और इस पे हम इसे डो रखेंगे। इसे आप ऐसे हाथों से ऐसे फ्लैट कर लें और थोड़ा सा ऐसे दोनों साइड से तेल लगा लें। इसके बाद इसे प्लास्टिक की दूसरी साइड जो है वो इसके ऊपर रखें और इसे हल्के हाथों से ऐसे बेल लें। अगर आप प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहते हैं तो हाथों में ऐसे थोड़ा सा तेल लेके आप इसे ऐसे फ्लैट कर लें, लेकिन प्लास्टिक का यूज करने से ये इवनली ऐसे स्प्रेड होगा और पतला भी बनेगा। तो यहाँ पे ये रेडी है। अब हम चलते हैं इसे पकाने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक तवा गरम किया है। इसके बाद हम इसमें थालीपीठ डालेंगे और इसे लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक होने देंगे। आप इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी डालें। थालीपीठ को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसे पकने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो आप इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं ताकि ये अच्छे से पके। इसे हम पलट देंगे और यहाँ पे हम तेल या घी लगा के इसे दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। अगर आप उपवास में घी यूज करते हैं तो घी का यूज करें। हमें इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो देखा आपने थालीपीठ बनाना कितना इजी है। बस इसे पकाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और बाकी इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब है। इसे आप दही के साथ या फिर उपवास की चटनी के साथ सर्व करें, ये दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप उपवास के दिनों में कुछ नया टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस साबूदाना थालीपीठ की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। आपको ये बहुत ही पसंद आएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। ये दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नई और मजेदार रेसिपी आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।